अच्छा तुम्हें नहीं लगता कि हमें वापस चलना चाहिए? क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है, समझ रही हो ना? पर तुम डर क्यों रहे हो जेजे? हम जो ढूंढ रहे हैं देखना हमें जरूर मिल जाएगा, ठीक है? अरे दोस्तों रुक जाओ, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम लोग कहाँ घुस रहे हो? जब मैं 13 साल का था ना तब ऐसी बचकानी हरकत करता था, मेरी बात मानो ये काफी खतरनाक है, तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है, अगर हम पकड़े गए ना तो वो औरत हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगी, कह रहा हूँ मैं, तुम लोग को तो डर ही नहीं है किसी बात का? यार मुझो तुम्हें हमारी मदद करनी थी इसलिए तुम यहाँ आया, अब वहाँ से नीचे उतरो जल्दी। जबरजीत मेरी बात सुनो, तुम वहाँ से उतर जाओ, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे भाई तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा कि मेरा नाम मुजफ्फर है, याद रखो आगे से भूलना मत, समझ गए? सनेम तुम्हें जबरजीत बुलाती है। सनेम की बात अलग है, वो जो चाहे मुझे बुला सकती है, वो चाहे तो मुझे अपना प्यार भी बुला सकती है, लेकिन तुम्हें इस बात का हक नहीं है, समझे? अरे पागल हो गए हो क्या, मैं तुम्हें क्यों अपना प्यार बुलाऊंगा? मैं अगर प्यार बुलाना ही है तो आयान को बुलाऊंगा, क्योंकि वो एक लड़की है, वो लड़की है तो मैं इससे प्यार का इजहार कर सकता हूँ। अब नीचे उतरो। क्या है मुजो, जल्दी आओ, और भी बहुत काम है, जल्दी करो। ठीक है बहुत हो गया, तुम लोग अब यहाँ से बाहर निकलो, तुम लोगों को दिख नहीं रहा क्या, चारों तरफ वायर्स लगे हुए हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जब तक गिरते तब तक वेट करते हैं ना, सबर का फल मीठा होता है, तुमने सुना नहीं क्या कभी? अबे जरा कुछ देखो तो, यहाँ तो ग्राउंड पर कोई फ्रूट भी नहीं है, यहाँ तो कुदरत का कानून भी मेरे खिलाफ है। जे, हाँ बोलो। मुझे यहाँ कोई फ्रूट नहीं मिला, तुम्हें वहाँ मिला क्या? नहीं मुझे भी यहाँ पर कुछ नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है, ये तो बेइज्जती है, बेइज्जती, तुम लोग चोरी कैसे कर सकते हो, गलत बात है ये। मुजफ्फर क्या कह रहे हो तुम, चोरी? हमने ये फ्रूट पेड़ से नहीं लिए, ये जमीन पर पड़े थे, हमने बस उठाए हैं। देखो यार इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन्हें उठाओ और चलो यहाँ से, हम किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ हमेशा गलत कदम ही उठाता हूँ, तुम लोगों की बातों में आ गया मैं भी। जबरजीत क्या मैं बात कर सकता हूँ तुमसे? नहीं हम बात नहीं कर सकते, तुम मेरे दोस्त नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्रूट उठाओ चलो यहाँ से जल्दी करो चलो। ये तुम क्या कर रहे हो, पेड़ से फ्रूट तोड़ना पाप है। तुम आखिर चाहते क्या हो, तुमने मुझ पर जंप किया, मेरी पीठ की हड्डी टूट गई, अरे हम यहाँ फ्रूट जमा करने आए थे ना तो मिल गया फ्रूट, चलो यहाँ से अब। लेकिन हमें पेड़ से नहीं तोड़ना है ना, ग्राउंड पर पड़े हैं जो वो उठाने हैं, तुम समझ रहे हो ना? जो पेड़ पर फ्रूट पड़े हैं उन्हें गिरने में 2 महीने लग सकते हैं, अभी सीजन नहीं है उनका, तुम्हें समझ में नहीं आ रही क्या किसी पर, अभी सीजन नहीं है इन फ्रूट्स का। लेकिन हमें पेड़ से नहीं तोड़ना है ना, ग्राउंड पर पड़े हैं जो वो उठाने हैं, तुम समझ रहे हो ना? तुम कितना भाव खा रहे हो, मैं तुम्हें कब से प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एप्पल, मैं घंटों से बात कर रहा हूँ तुमसे, मैं कब से तुम्हें अच्छे से प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम पूरी जिंदगी तुम्हारे पेड़ के नीचे गिरने का इंतजार करते रहेंगे क्या? मेरी बात समझो, मेरे भी कुछ सपने हैं, मुझे शादी करनी है, बच्चे करने हैं, बहुत कुछ काम करना है मुझे, सनेम से मिलना है, सनेम को पटाना है, शादी करनी है, बच्चों के नाम रखने, उफ मुझे खुद याद नहीं आ रहा कितने काम है मेरे पास, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम प्लीज गिर जाओ यार, मुझे बहुत काम है लाइफ में, मुझे कुछ बनना है, मुझे करना है। यार मुजफ्फर तुम कितना बोलते हो, प्लीज अब चुप रहो, उस पेड़ को भी शांति चाहिए होगी इसीलिए। अयान तुम समझ नहीं रही हो, मेरा इन पेड़ों के साथ कुछ गहरा कनेक्शन है, मैं इन्हें फील करने लगा हूँ, मैं इनकी बातों को समझने लगा हूँ। सुनो पेड़, जिद्दी होना बंद करो, फ्रूट्स दे दो, नीचे गिरा दो इन्हें, अगर तुमने नहीं गिराया ना तो अच्छा नहीं होगा, मैं पहले से बता रहा हूँ, फिर मत कहना मुझे, हल्के में मत लो मुझे। हाँ गिर गए, फ्रूट्स गिर गए, देखो पेड़ ने मेरी बात सुन ली, देखा मैंने तुमसे कहा था ना, पेड़ ने मेरी बात सुन ली, कमाल कर दिया, हाल चाल चलो हाई फाइव। बहुत बढ़िया लगता है, इस पेड़ ने खुद का कंट्रोल ही खो दिया इसकी स्पीड सुनकर। क्या बात है मुजफ्फर, मैंने कहा था मुझ में बहुत टैलेंट है,